कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ रही छात्राओं को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। खाने में कभी मछली घट जाती है तो कभी अंडा। इतना ही नहीं, यहां छात्राओं से किचन में काम भी कराया जाता है। यहां के वार्डन विद्यालय के उपयोग के लिए आने वाले सामानों को अपने घर ले जाती हैं। उनके परिवार के सदस्य स्कूल में आकर ठहरते हैं। ये बातें खुद छात्राओं ने बताई हैं। ये बातें खुद छात्राएं कह रही हैं, जो वीडियो में देखी जा सकती हैं। जबकि छात्राओं का कहना है कि छात्र के पेरेंट्स अंदर तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन वार्डन के परिजन छात्रावास में कई दिन तक ठहरते हैं। कभी कभी तो खाना पकाते समय गैस भी लीक होने लगती है, जो देखा वह सुना जा सकता है। जानते हैं दीदी, अंडा सब घट जाता है, बगरा तो नहीं कहेंगे, ढेरे को 60-65 कभी कभी चिकन भी घट जाता है, मछली भी घट जाता है, और दोबारा मिलता भी नहीं। सबसे खराब तो पूरा किरी वाला छोला खिलाई थी हम और दीदी सुनते मैडम लोग थे ना उसमें अंडा जो नहीं खाते थे वो लोग के लिए फल मिलता था। फल मिलता था, मोतीचूर लड्डू मिलता था, संडे के दिन में मीठा मिलता था। संडे के दिन में अब मीठो नहीं मिलता है, जलेबी मिलता है, लेकिन मीठा भी पहले मिलता था, मीठा जलेबी पुलाव भी बनता है ना, तो गीला पुलाव बनता है पूरा कैसा ना कैसा। क्या मामला है? यही मामला है कि वहाँ जो बच्चा लोग को जो खाना पीना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और बच्ची लोग को खाना उना घट जाता है। फिर हम लोग को आपके पास प्रॉब्लम बताती है कि दीदी हम लोग को आज ये खाना नहीं मिला, आधी लड़की लोग को मिला, आधी लड़की लोग को नहीं मिला। ये वाक्य जिले के सेनहा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है। इस संबंध में यहाँ 1.5 महीने से कार्यरत सुरक्षा गार्ड राजपति कुमारी ने उपायुक्त को पत्र भी लिखा। उन्होंने लिखा कि 27 फरवरी को डीसी द्वारा निरीक्षण करने पर उन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें ड्यूटी से हटाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि विद्यालय के वार्डन प्रेमदानी कुजूर मनमानी कर लगातार मुझ पर दबाव बनाती हुए छात्राओं को अस्पताल पहुंचाने और सुरक्षा के साथ बाहरी कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। हाँ बोलिए। बच्ची लोग किचन तरफ भी आके पूरा सारा काम करती है, जैसे सब्जी चलाती है, रोटी बेलती है, उसको मना करने पर भी मैडम को चिढ़ लगता है। यदि जल जाएगी तो फिर गार्ड को पूरा आरोप आएगा कि गार्ड दीदी क्या देखती है, क्या गैस उस जलाना, गैस उस जलाना, पूरा सब्जी चलाना, यही लोग का काम है, सारा काम करती है बच्ची लोग, छात्रा लोग। हाँ छात्र लोग चावल धोती है, कभी वही लोग चावल को पकाने में डालती है जहाँ अधन उवल रहता है वहाँ, या फिर सब्जी चलाती है। किसी तरह से गैस जल जाएगी तो उसके बाद में गार्ड का आरोप आएगा कि गार्ड क्या देखती है। छात्रों द्वारा गार्ड को बताया गया कि छात्राओं को पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जाता, पढ़ाई के समय कई तरह के कार्य कराए जाते हैं। रात में 11-12 बजे तक कटे फटे कपड़ों को मिलाकर लेदर सिलवाया जाता है, खाना रोटी पकवाना, सब्जी बनाना, वार्डन के कपड़े धुलवाना, अपने बच्चों की साफ सफाई सहित कई काम कराए जाते हैं। और जो गुजड़ी बच्चा हुआ है लड़की लोग जल्दी जल्दी सियो, सुई भी नहीं देती है, काट सी देगी बता तो, धागा भी नहीं है तो धागा। छात्राओं को मापदंड के आधार पर नाश्ता और भोजन भी नहीं दिया जाता। आधी छात्राओं को अंडा, मांस, मछली और सब्जी मिल पाती हैं। इसकी शिकायत करने से छात्राएं डरती हैं।
वो बताती हैं कि स्कूल के वार्डन प्रेमदानी कुजूर और शिक्षा विभाग की सपना सिंह से मौखिक तौर पर इसकी शिकायत कर चुकी हूं। मिलीभगत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने उपायुक्त से जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। लोग तो वहाँ रखा गया है देख ले के लिए कि क्या घटी है, क्या नहीं मिलता है, क्या मिलता है बच्चा लोग को। उसमें से बहुत हम लोग को कंप्लेन बताती हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। उसमें से भी तो अभी कुछ बोलबे नहीं किए हैं। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन महावार का कहना है कि सब गलत है। हमारी टीम स्कूल में जांच कर चुकी है जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि मामले की जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार की रिपोर्ट।